आज है 17 सितंबर 2021, और 17 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो छूट ना सके। और लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिविजन और डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहाँ के बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है कश्मीर के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। तो यह GI टैग दिया गया है, तो GI टैग के बारे में देख लेते हैं। GI टैग, जिसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो ये टॉप 5 GI टैग देख लेते हैं किसको किसको मिला है, और ये GI टैग किसको किसको मिला ये भी देख लेते हैं। तो ये किस राज्य को हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र के हापुस आम को GI टैग मिला है। अगला है, किस राज्य को विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत का प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस कहाँ कर किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर का। किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान को बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के जोर देने के लिए शून्य अभियान, ये अभियान यह शुरू किया है, तो यह नीति आयोग ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ा जा रहा, ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अभियान सुनने के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी खंड इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में उपभोक्ता को जागरूक पैदा करना है। तो ये नीति आयोग ने ये शुरू किया है, तो नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते वो होते हैं, ये PM है जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष इसका राजीव कुमार है, और इसका CEO अमिताभ कांत है, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष ये नरेंद्र मोदी हुए। अगला क्वेश्चन है, मालदीव में भारत के अगले ऊंचायुक्त कौन बने हैं? तो ये मालदीव के भारत के अगले ऊंचायुक्त ये बने हैं, तो यह मुन्नू महावर बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुन्नू महावर। मुन्नू महावर वर्तमान में ओमान में भारत के राजदूत हैं। तो ये मालदीव के बने, तो मालदीव के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी माले है, और यहाँ का करेंसी मालदीव रुफिया है, और यहाँ का राष्ट्रपति वर्तमान में है इब्राहिम मोहम्मद सोली ही, और मालदीव की संसद का नाम यह मजलिस है। तो ये नियुक्तियाँ से संबंधित क्वेश्चन था, तो नियुक्तियाँ से संबंधित टॉप 5 नियुक्ति कर लेते हैं जो आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये S. Invasekar किस देश के भारतीय उच्चायुक्त हैं? तो यह पापुआ न्यू गिनी का है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त गायत्री इस है, तो यह उच्चायुक्त सॉरी ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त है, तो गायत्री ईशर कुमार है। अगला है, विनया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त हैं? तो यह तजाकिस्तान के हैं। अगला है, राज्यसभा के नए महासचिव हैं? तो ये है PP के रामचार्यलू है। देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये श्रीकांत टी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
हर साल 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। पृथ्वी के संरक्षण के लिए ओजोन बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन यह एक गैस की नाजुक परत होती है। ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव को बचाने का काम करती है। इस तरह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में ओजोन की परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। इसका 2021 में थीम है, तो इसका 2021 में थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। हिंदी में इसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। तो ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन था, सितंबर महीने का टॉप 5 दिवस कर लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो ये 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, 8 सितंबर को मनाया गया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस ये 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस 2021 यह 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA में गुरु घासीदास अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। इस टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय सहित 32 प्रकार के वन्यजीव प्राणी विचरण करते हैं। तो ये भारत के टॉप 5 टाइगर रिजर्व के बारे में अब देख लेते हैं। तो ये टॉप फाइव टाइगर रिजर्व है। तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है, और नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यह 78% की वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78%। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण से संबंधित अपराध श्रेणियों के मामलों में 78.1% की वृद्धि हुई है। वही देश के कुल अपराध मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये कर्नाटक सरकार ने एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, वो जिला है चिकामगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकामगलुरु जिला है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार चिकामगलुरु जिले के अम्बले में एक मसाला पार्क बनाने जा रही है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ सरकारी भूमि पर मसाला पार्क बनाया जाएगा। तो ये कर्नाटक सरकार ने बनाएगी। तो अब कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इससे जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं और इससे जितने भी स्टैटिक जीके बने हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है वर्तमान में थावरचंद गहलोत। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट ये 224 है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मैंगलोर में है। कर्नाटक के प्रमुख बांध है कृष्णा राजा सागर बांध जो कावेरी नदी पर है,
तुंगभद्रा बांध ये तुंगभद्रा नदी पर है, सुप्पा बांध काली नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, हेमावती बांध यह कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है तो ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघाट राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुकेंद्रीमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलकर किस नाम से चैनल लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया संसद टीवी के नाम से किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद टीवी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छुएगा, और साथ ही यह नया चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है, तो यह टाटा स्टील ने चालू किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्ष में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकलता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाले देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। तो ये पहला था, तो भारत में जितने भी पहला हुआ उसका रिविजन देख लेते हैं। तो ये रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है, तो मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, कृति करंथ बनी है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये असम बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी कौन सी बन गई है, तो केवड़िया बन गई है। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद करने के लिए IRASTE रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है, तो यह नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। अब दोस्तों ये कर लेते हैं अब इसका क्विक रिवीजन। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया है, तो यह कश्मीर को दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है, तो नीति आयोग ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर तीन है, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो ये मुन्नू महावर बने हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है, तो 16 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँच है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर छः है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 78% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर सात है, कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो यह चिकामगलुरु में लिया है। इसका राइट आंसर होगा यह चिकामगलुरु। क्वेश्चन नंबर आठ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया गया है, तो यह संसद टीवी के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर नौ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है, तो टाटा स्टील ने किया है। क्वेश्चन नंबर दस है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए IRASTE रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये 17 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और इसका रिवीजन भी देख लिए। अब डेली की तरह स्टैटिक जीके का डोज देख लेते हैं। तो ये आज होगा डेली स्टैटिक जीके डोज सेट नंबर 146, जिसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1948 ईस्वी में किया गया। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ये ट्रांबे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये धर्मपाल ने की। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेटस है। अगला है, चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, तो क्या होगी? नहीं देगी। तो दोस्तों, ये 17 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं, और इसका क्यूक रिवीजन भी देख लिए, और डेली की तरह स्टैटिक जीके का डोज 146 भी कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।